नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे पर क्या कुछ रहेगा खास, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात पर भी देंगे पूरी जानकारी। इस बार क्यों खास है शिमला का बजट, कौन करेगा शिमला का बजट पेश, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। आगे देखिए कब सुलझेगा सीमेंट विवाद, किस नतीजे पर पहुंचे उद्योग मंत्री संग बातचीत। तो वहीं हिमाचल की खेल नीति को लेकर क्या है खेल मंत्री का प्लान, है क्या खिलाड़ियों को मिलेगा तोहफा या भी करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी है, दिल्ली से आ रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली दौरा है। आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे आज सीएम सुक्खू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया, हाईकमान तय करेगा बचे हुए नाम। सीएम सुक्खू ने इन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री से बजट के बाद मुलाकात की जाएगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के दौरे पर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और आज जानकारी ये भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आने वाले समय में मुलाकात की जा सकती है। तो सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा है इस वक्त की ये बड़ी खबर। अपना व्यक्तिगत वक्तव्य होगा, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए राहुल गांधी जी ने कश्मीर से हमारी से कश्मीर तक की यात्रा अब उसका समापन है। तो 3,500 किलोमीटर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे अगर देश के हर कोने में पैदल चलते हैं तो आप उसका मतलब जानते ही होंगे। नहीं, उसका आधार भी बना दिया गया और हिमाचल की जनता जान चुकी है। हिमाचल दिवस है और दिन 25 जनवरी को हमेशा की तरह मनाते हैं, और जो आना चाहे उसमें सबका स्वागत है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल देर रात को जो है दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज की बात करें तो कई शिष्टाचार मुलाकात जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति से जो है उनकी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो समय है वो आज जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से मांगा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पार्टी आलाकमान के नेता जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मुलाकात है वो होती हुई नजर आ सकती है। कई सारे अहम विषय जो है उनको लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर जो है चर्चा होती हुई नजर आ सकती है, और पार्टी आलाकमान से खासतौर पर अगर मुलाकात होती हुई नजर आएगी तो जो मंत्रिमंडल में पेंडिंग जो पद पड़े हुए हैं 3, इसको लेकर किस तरीके से जो है भरे जा सकते हैं वहां पर चर्चा जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो आज जो है हिमाचल प्रदेश में आज जो है लागू कर दी गई है, तो ऐसे में उसको लेकर जो हो सकता है कि पार्टी आलाकमान के नेताओं से जो मुलाकात है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है करते हुए नजर आ सकते हैं और चर्चा जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से काफी अहम भी उनका दौरा माना जा रहा है तो पार्टी हाईकमान के साथ भी कुछ बातचीत कुछ दौर देखने को मिल सकता है क्या, और क्या कुछ उनके खास कार्यक्रम रहेंगे? रितेश, बिल्कुल, पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात हो सकती है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात हो सकती है। सबसे अहम मसला था इस बार हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है जैसे ही कैबिनेट की बैठक होती है उसको लागू कर दिया जाता है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एक बड़ी राशि कहीं ना कहीं जो है चाहिए होगी जो कि केंद्र सरकार की मदद के बगैर जो है देखने को मिलती हुई नहीं नजर आएगी। तो ऐसे में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जा सकता है केंद्र सरकार के साथ में, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले की जानकारी पार्टी आलाकमान के नेताओं को जो है दी जाएगी। और उसके अलावा क्योंकि 3 मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो अभी खाली देखने को मिलते हैं नजर आ रहे, और कल जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय आलाकमान कहीं ना कहीं ये तय करता हुआ नजर आएगा किस तरीके से जो मंत्रिमंडल के पद हैं वो भरते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में दिल्ली दौरा जो है मुख्यमंत्री का काफी अहम माना जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल काफी अहम मुख्यमंत्री का यह दौरा है और आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है। तो सीएम सुक्खू ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। आपको ये भी बता दें कि सीपीएस के पोर्टफोलियो तय कर लिए गए हैं। मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव अटैच किए गए हैं। विभागों में सुझाव दे सकते हैं सीपीएस। दिल्ली दौरे से पहले ये अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मंत्रियों के साथ इन सभी सीपीएस को अटैच कर दिया गया है। दिल्ली दौरे से पहले ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि सीपीएस के पोर्टफोलियो तय कर लिए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव भी अटैच किए गए हैं। विभागों में सुझाव दे सकते हैं ये सभी सीपीएस। दिल्ली दौरे से पहले ये अहम जिम्मेदारी है। दरअसल जिस भी विभाग में जो भी काम हो रहा है उसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है उसको भी सीपीएस सुझाव उस मामले में दे सकते हैं। सीपीएस के लिए जो पोर्टफोलियो होता है वो तय कर लिया गया है। मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव भी अटैच किए गए हैं। तो विभागों में सीपीएस सुझाव भी दे सकते हैं। दिल्ली दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सीपीएस के पोर्टफोलियो तय किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव भी अटैच किए गए। विभागों में सुझाव भी दे सकते हैं ये सभी सीपीएस। वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी उनके द्वारा सौंपी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से सीएम सुक्खू ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जहां पर मंत्रियों के साथ 4 संसदीय सचिव को भी अटैच किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अच्छे मुख्य संसदीय सचिव जो है वो सुक्खू सरकार में जिनको नियुक्तियां यहाँ पर दी थी, अब उनको विभागों के आवंटन की जो है वो चर्चा तेज थी। और इसी बीच जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे, ठीक उससे पहले जो है ये ऐलान यहाँ पर किया गया। और इस ऐलान को इस चीज से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उनको साधने का प्रयास जो है वो सुक्खू सरकार यहाँ पर कर रही है। और जो ये मुख्य संसदीय सचिव हैं, ये कांग्रेस के ही समय में जो है वो शुरुआत इसकी हुई थी। हालांकि पूर्व की जो जयराम सरकार थी उसमें मुख्य संसदीय सचिवों की तैनाती यहाँ पर नहीं की गई थी, यानी सरकार में उनकी मुख्य संसदीय सचिव जो है वो सरकार में नहीं थे। लेकिन इस बार फिर से जब सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, तो ऐसे में ओहदा पाने की चाह जो थी वो लोगों की लंबी कतार थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि बहुत से लोगों को नए पदों की जिम्मेवारी यहाँ पर मिल सकती है और नई नियुक्तियां यहाँ पर जो है ये सुक्खू सरकार यहाँ पर कर सकती है। लिहाजा इसी चीज को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए, सुक्खू सरकार ने सीपीएस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की थी। अब सवाल ये था कि सीपीएस की तैनाती के बाद उनको क्या विभाग यहाँ पर दिए जाने हैं, क्योंकि ये जो मुख्य संसदीय सचिव होते हैं इनको निर्णय लेने का कार्य यहाँ पर नहीं होता। लिहाजा जो मुख्य संसदीय सचिव का जो काम रहता है वो अटैच होता है एक मंत्री के साथ, यानी मंत्री के पास जो विभाग होंगे उनके साथ ही ये फाइलें जो है उससे जुड़ी हुई फाइलें पहले मुख्य संसदीय सचिव के पास आती है और उसके बाद ये फाइलें जो है वो आगे मंत्री के दफ्तर में अंदर जाती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जिस तरह से सीपीएस जो है उनकी तैनाती हुई, उसके बाद इन सीपीएस को जो है अब धीरे धीरे कार्यभार सौंपने शुरू कर दिए गए हैं। और जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2 जो मुख्य संसदीय सचिव थे उनको मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं, जो मुख्यमंत्री के पास विभाग है उनके साथ अटैच किया गया था। और उसके बाद बाकी बचे जो 4 सीपीएस थे उनको भी धीरे धीरे करके बाकी मंत्रियों के साथ जो है उनको अटैच किया गया। और लगभग ये माना जा रहा है कि ये समीकरण साधने से, यानी राजनीतिक समीकरण साधने से, न सिर्फ गठन बल्कि जो आगामी जो 2024 के चुनाव है उसके लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में कांग्रेस पार्टी को ये सीपीएस। चलिए, ठीक है विकास, ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। जियोमार्ट ग्रैंड रिपब्लिक सेल पर 21 से 26 जनवरी तक डेली एसेंशियल्स पर पाओ अप टू 60% ऑफ। जियोमार्ट पर शॉपिंग करो और एंजॉय करो।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर राजनीति नहीं थम रही है। सदर विधायक त्रिलोक जामवाल लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। यहां तक कि त्रिलोक जामवाल ने बरमाणा की तालाबंदी के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने में कांग्रेस सरकार को पूरी तरीके से विफल बता दिया। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री स्टेट का सब्जेक्ट है, मगर मसले को सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है। इसी के साथ त्रिलोक जामवाल ने डिनोटिफाइड करने का भी मुद्दा उठाया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी ट्रक ऑपरेटरों ने बिलासपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जुड़ा डिस्प्यूट को चले इतना लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार रेट तय करने की नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर पाई। इतना लंबा डिस्प्यूट चलने के उपरांत पिछले कल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर जी की स्टेटमेंट आई है, और जिसमें प्रदेश सरकार ने ऑपरेटरों को तोड़ने का प्रयास किया है, पिछले कल जो मीटिंग हुई उसमें केवल दाड़ला के ऑपरेटरों को बुलाया गया था, बिलासपुर के एक भी ऑपरेटर को नहीं बुलाया गया था। इतना ही नहीं, हमारे जो एक्सर्विस मैन भाई हैं वो पूरे प्रदेश से हैं, उनकी भी यूनियन को एसोसिएशन को नहीं बुलाया। प्रदेश सरकार, ये मेरा आरोप है, कि ऑपरेटरों को डिवाइड कर इस इशू को अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें। दूसरे, प्रदेश सरकार बताए कि इतने लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, अभी तक क्या क्या किया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नालागढ़ में पंचायतों में प्रधानपति की दखलंदाजी के मामले को लेकर राज्य सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। बावजूद इसके नवाग्राम पंचायत में पंच ने ही अपनी पूरी पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ब्लॉक स्तर के ऑफिसरों को शिकायत लिखकर पंचायत प्रधान सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। शिकायतकर्ता पंच ने कहा है कि नवाग्राम में पत्नी पंच है और पति पंचायत की बैठकों में न सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि पंचायत के विकास कार्यों को लेकर किए गए प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर करते हैं। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जांच इसमें चल रही है। तुक्के नहीं बन रही, जेड़ा मैडम का काम है वो मैडम ने करना, जेड़ा मेरा काम है मैं करना। तो कई बार असं ग्राम सभा कट्ठे जाते हैं तो ग्राम सभा के रजिस्टर से असी साइन कर देंगे, क्योंकि वह कह देंगे भाई साल साइन कर दो कार्रवाई, तो फिर अभी सारी पब्लिक कट्ठी हो ही होंगी। तो बाकी इसके अलावा सानू लोड़ ही नहीं इन्हों के काम से दखलंदाजी करने की। ये मामला नवा ग्राम पंचायत का भी हमारे संज्ञान में आया है रिसेंटली। ऐसी कोई मेरे पास पहले कोई कंप्लेंट नहीं है, बट रिसेंटली अगर आई है तो उसका उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके काम है, जो कार्य हैं, अगर वो करवाना चाहते हैं तो हम पंचायत के थ्रू भी करवाएंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा कार्य आता है जो नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, तो उसको भी हम करवाएंगे। मेरे पास रिसेंटली कंप्लेंट आई है तो उसमें कमेटी ही बनाई जाएगी, एक जांच कमेटी हम बनाएंगे ऑफिस से, तो वो जाके फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि ये सच है झूठ है। जब तक उसकी जाँच नहीं हो जाती तब तक हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। तो वहीं राजस्व बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में आयोजित स्वागत समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया और कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों को विकास के मामले में नंबर वन बनाएगी। साथ ही पिछली सरकार के कार्यकाल में जनजातीय क्षेत्र के साथ विकास के मामले में पक्षपात होने की बात कही। जगत सिंह नेगी ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का कायाकल्प होगा, साथ ही कांग्रेस की 10 गारंटियों पर काम जारी है। पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जो वादे हमने चुनाव के समय जनता के साथ किया, जिसमें हमारा जो है ओपीएस का मुद्दा था, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, कैबिनेट की पहली मीटिंग में सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस को बहाल किया है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया। हमारे कर्मचारी जो है अपना जीवन जो है समाज की सेवा में लगा देते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं 58 साल के बाद, भाजपा की सरकार ने केंद्र में ऐसे कानून बनाए कि उनको पेंशन से भी वंचित किया है। दोबारा से कांग्रेस की सरकार ने, हमारे जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार ने आपका जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। नटेहर में बीती रात पारिवारिक झगड़े में एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है। डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया गया है। फिलहाल मामले में पूछताछ हो रही है। नटेहर गांव में एक युवक को पूरी तरह से मारपीट करके जो है उसे जो है घायल किया है, जिसे जो है टाटा मेडिकल कॉलेज ले गए हैं। तो टाटा मेडिकल कॉलेज में जब हमारी पुलिस टीम पहुंची तो वहां पाया गया कि वो व्यक्ति जो है जिसका नाम हरिपर बताया गया है वो मृत अवस्था में वहां पर पाया गया। एक ही परिवार के 4 सदस्य जिसमें चमनलाल की पत्नी और उसका बेटा साहिब, ये जो है कोई गाली गलौज कर रहे थे रिपर के घर के पास। रिपर ने खाली उससे यही पूछने की कोशिश की कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, जिस पर जो है साहब सिंह ने इस पर जो है हमला कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जो परिवार के 4 सदस्य हैं उनको अभी डिटेन करके थाने में रखा हुआ है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमीरपुर में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। संघ के प्रधान हेमराज शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की है और प्रदेश स्तरीय चुनावों का आयोजन किया है। इस बैठक में प्रदेश के 11 जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। परवाणु बाईपास पर चलती कार में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद सवारियों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई है। ये घटना परवाणु बाईपास के टोल टैक्स के पास की बताई जा रही है। तो वहीं एसआईयू टीम ने घागस में 2 युवकों को चिट्ठी के साथ गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से 2.86 ग्राम चिट्ठा बरामद किया गया। प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन हुआ है। परीक्षा में करीब 2600 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। परीक्षा के लिए हिमाचल और पंजाब में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। धर्मशाला के परीक्षा केंद्र में 102 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। जिसको हमारे प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ जो है वो संचालित की कर रही है, तो इसमें हमारे आज की डेट में जो है वो 16 सेंटर जो है वो 16 सेंटरों के ऊपर एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया, और जिसमें 2 सेंटर जो हमारे पंजाब के हैं और हमारे 14 सेंटर जो है वो हिमाचल क्षेत्र से हैं, और इसमें हमारे लगभग 2600 बच्चों ने जो है वो प्राइमरी 5वीं 10वीं और 12वीं के नॉन मेडिकल के छात्रों ने जो है वो भाग लिया है। 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व होता है काठगढ़ में, वो उसके दौरान जो है वो हमारे जो भी उसमें मुख्य अतिथि होंगे उनके कार्यक्रमों द्वारा जो है वो सभा की ओर से एक नगद राशि प्लस प्रशस्ति पत्र और साथ में स्मृति चिन्ह देकर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं नान के जंगलों से भेड़ पालकों के पशु लगातार चोरी हो रहे हैं, जिसके चलते भेड़ पालकों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं अब तक 30 पशुओं की चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। छोटी काशी मंडी में तारा रात्रि की मध्य रात को बाबा भूतनाथ के गृह मंडल श्रृंगार की रस्मों के साथ शिवरात्रि का आयोजन हो रहा है। अगले 1 महीने तक हर रोज बाबा भूतनाथ का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाएगा। हर दिन बाबा भूतनाथ श्रद्धालुओं को अलग अलग रूपों में दर्शन दे रहे हैं। हटकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ के स्वरूप में किया गया है, जो कि प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि द्वापर युग में खारून नदी में एक शिवलिंग मिला था तैरता हुआ। उस शिवलिंग को हयवंशी राजा, जिनका नाम ब्रह्मदेव था, उनको वो शिवलिंग मिला। उस शिवलिंग को उन्होंने नदी के तट पर स्थापित किया। तत्पश्चात उनके बाद में जो राजा हुए 1402 में, उनके द्वारा मंदिर पुनर्निर्माण करवाया गया। तो वहीं ऊना में राज्यपाल ने निजी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित किया, जहां उन्होंने समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है बताया। साथ ही कहा कि भावी पीढ़ियों को ज्ञान आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करने में राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा रही है। बन रहा है उसमें मेरा यहाँ सम्मिलित होना बिल्कुल
उस किसी कार्यक्रम में नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, परंतु अपने मेरे मित्र जो हैं धनंजय वार्नेकर और राम रैना वगैरह। तो वहीं पावटा साहिब में ठेकेदारों की मनमानी लोगों पर भारी पड़ रही है। केबल तार बिछाने से सड़क जी का जंजाल बन गई है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों केबल तार बिछाने का काम किया जा रहा है। ज्यादातर लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि आखिरकार आप हालत देखिए जरा, ये रोड तो ऐसा हो गया जैसे माइन के लिए रोड होता है ना जयप्रकाश जी, ये तो उससे भी बदतर हालत हो गई है इसकी। और आप देखिएगा कि इतनी बुरी हालत हो गई है, फोर व्हीलर टू व्हीलर के लिए तो इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है ये। और मलबा जो है आधो आध इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ, उबड़ खाबड़ पूरा। तो वहीं मंडी में कोबरा गैंग एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। ताजा मामला की अगर बात करते हैं तो पंडोह में टैक्सी चालक के साथ कोबरा गैंग ने सरिया मारपीट करी है। स्थानीय लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कोबरा गैंग से छुटकारा दिलाने की बात कही है। फिलहाल अब तक लगभग एक दर्जन से ज्यादा वारदातों को ये कोबरा गैंग अंजाम दे चुका है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।